हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अन्विशा। आज हम पढ़ेंगे क्लास वन के मैथ्स का चैप्टर नंबर 9, शेप्स एंड पैटर्न्स, यानी कि आकार और पैटर्न्स। तो चलिए से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व लाइंस, सीधी रेखाएं और तिरछी मुड़ी हुई रेखाएं। इसे हम वर्टिकल्स लाइन बोलेंगे, इसे हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलेंगे, डायगोनल लाइंस ऐसे कोने कोने के लाइंस को बोलते हैं, और कर्व लाइंस जो एकदम ऐसे ऐसे गोल गोल या फिर कोई भी बिना किसी एंगल की लाइंस को हम कर्व लाइंस बोलते हैं। तो वर्टिकल लाइंस कुछ ऐसी एकदम सीधी सीधी लाइंस को वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है ऐसी लेटी हुई लाइंस होती हैं, जैसे हम स्लैंटिंग लाइंस भी बोलते हैं। ये डायगोनल लाइंस है, तिरछे तिरछे लाइंस को हम डायगोनल लाइंस बोलते हैं। और ये कर्व लाइंस जो ऐसे ऐसे एकदम घूमे फिरे लाइंस होते हैं, उसे हम कर्व लाइंस बोलते हैं। फिर है प्लेन शेप्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल और ओवल, ये सब जो है वो प्लेन शेप्स हैं। सॉलिड शेप्स जैसे कि स्पेयर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, ये सब जो है वो सॉलिड शेप्स हैं। एंड देन लास्ट टॉपिक है हमारा पैटर्न ऑफ शेप्स, शेप्स के पैटर्न कैसे होते हैं। अ पैटर्न इज फॉर्म्ड बाई रिपीटिंग अ सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स और साउंड्स। पैटर्न कैसे फॉर्म्ड होता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट और साउंड की सीरीज को हमेशा रिपीट कर देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है पैटर्न कैन बी सीन, हर्ड और टच्ड। पैटर्न जो है वो या तो देखी जा सकती है, देखी भी जा सकती है, सुनी भी जा सकती है और छुई भी जा सकती है। पैटर्न कैन बी फाउंड इन नेचर, इन द वेजिटेबल्स वी ईट और इन द नंबर्स वी लर्न। डिस्कवरिंग पैटर्न्स ब्रिंग जॉय टू द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब कि जो पैटर्न्स हैं वो नेचर में पाई जाती हैं, वेजिटेबल्स जो कि हम खाते हैं उसमें पाई जाती हैं, और नंबर्स में जो कि हम याद करते हैं उसमें भी पाई जाती हैं पैटर्न्स। और पैटर्न्स डिस्कवर करना ये बहुत ही बड़ा मस्ती मजाक होता है मैथमेटिक्स में। टेक अ लुक एट द पैटर्न फॉर्म्ड बाय नेचर, इन सारे पैटर्न्स को देखो जो कि नेचर के ज़रिए फॉर्म्ड होती हैं। डे यानी कि दिन में देखो कितना अच्छा पैटर्न है, फिर नाइट में भी कितना अच्छा पैटर्न है, फिर डे में ऐसा हो जाता है, फिर नाइट में ऐसा हो जाता है। वी ऑलवेज फॉलो अ पैटर्न ऑफ डे एंड नाइट, हम हमेशा डे और नाइट का पैटर्न फॉलो करते हैं। वी वर्क ड्यूरिंग द डे एंड टेक रेस्ट एट नाइट, देन द नेक्स्ट डे एंड द नेक्स्ट नाइट टू वी अगेन फॉलो द सेम पैटर्न। मतलब कि हम हमेशा पैटर्न्स डे और नाइट के हमेशा पैटर्न्स फॉलो करते हैं। हम दिन में अपना काम करते हैं और रात में रेस्ट करते हैं, और फिर दूसरे दिन भी वही करते हैं, दूसरी रात में भी वही करते हैं। वी अगेन फॉलोज द सेम पैटर्न, हम अगेन एंड अगेन इसी पैटर्न डे एंड नाइट के पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो ये था पैटर्न ऑफ शेप्स का लास्ट टॉपिक, शेप्स एंड पैटर्न्स का लास्ट टॉपिक पैटर्न ऑफ शेप्स। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।